Hi guys, welcome back to the new video. I'm back with the latest update of ये रिश्ता क्या कहलाता है. So the spoiler alert is कि यहाँ पे अरमान और अबीरा जाएंगे हनीमून और साथ ही साथ रूही भी पूरा घुसने की कोशिश करेगी. तो आइए इस मामला के डिटेल में चलते हैं कि ऐसा क्या होगा. अब तक तो एंगेजमेंट नहीं हुआ और आप सोच रहे हैं कि मैं हनीमून में चली गई, पहले शादी तो हो जाए. सो गाइज, यहाँ पे आप तो जानते हैं ना, एंगेजमेंट रिंग को कहीं ना घोटाला किया था रूही ने, और ये सारी बातों का रोहित को पता चल जाएगा कि इन सब में रूही का हाथ है, रूही का. एंड देन उसके बाद यहाँ पे रूही असली रिंग को नकली रिंग से मतलब बदल देती है. और जैसी ही सारी बातें पता चलता है दादी सा को कि एक काम भी अबीरा से ना हो सका, तो यहाँ पे वो लोग जैसे तैसे सोचती कि वो क्या होगा कैसे होगा, बट यहाँ पे इन दोनों का एंगेजमेंट हो जाता है. और यहाँ पे रोहित ये सोचता है कि मैं अपने भाई को शादी के लिए हनीमून पैकेज ही दे दूँ. और ये सारी चीज़ें जैसे रूही देखती है, वो रूही जो है वो अपने पति देव यानी कि रोहित को ब्लैकमेल करती है कि हमें भी जाना चाहिए, हमें भी टाइम स्पेंड करना चाहिए. और कुछ माउथ टू माउथ हो जाता है अबीरा और रूही के बीच. तो यहाँ पे अबीरा रूही को कान खोल के एक बात बताती है कि सुन लो, तो वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, तो उससे दूर रहो. तो यहाँ पे रूही बोलती है तुम बकवास करती रहो. एंड देन उसके बाद ये देखने को मिलता है कि रूही बोलती है मैनिपुलेट करके अबीरा को कि तुम्हारे और अरमान की शादी के लिए गोल्ड कार्ड बनाया जा रहा है पद्दार फैमिली, पर तुम तो इतने पैसे अफोर्ड कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं. तो यहाँ पे अबीरा को सारी बातें बहुत ज्यादा लग जाती है और मैं बैंक जाती हूँ और लोन लेती हूँ, उसे लोन मिल जाता है. और ये सारी बातें जैसे दादी सा को पता चलती वो बहुत गुस्सा हो जाती है. तो आगे होगा क्या अंजाम, आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.